दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2021 के शुरू होने से पहले ही भारतीय पूर्व कप्तान एमएस धोनी और सुरेश रैना ने प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखने के बाद ऋषभ पंत के भी माथे पर पसीना आ गया है। रैना और धोनी ने अपने इस कारनामे से सभी गेंदबाजों में डर का माहौल बना दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं धोनी और रैना के उस करिश्मे के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रैना और महेंद्र सिंह धोनी में कौन बेहतरीन हिटर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल में पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 9 अप्रैल को खेला जाना है। ये मैच बेहद रोमांचक होने वाला है। साथ ही इस मैच में कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में टीम की कमान ऋषभ पंत के कंधों पर होगी। और हालिया में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीतने वाले ऋषभ पंत पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जब उनका मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी से होगा तो ये मैच अपने आप में रोमांचक बन जाएगा। सुरेश रैना ने भी आईपीएल में पहले ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने आईपीएल से पहले मैच प्रैक्टिस के दौरान शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की है और सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है। चलिए आपको बता दें कि पिछले साल सुरेश रैना आईपीएल का हिस्सा नहीं थे, हालांकि वो दुबई जरूर गए थे लेकिन वहां से लौट आए, लेकिन अब इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। और शानदार अंदाज में जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस में अपने जौहर दिखाए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि सुरेश रैना का कहर इस बार गेंदबाजों के ऊपर जमकर टूटने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाया। हालांकि जिस तरह से धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ड्रेसिंग रूम से ही वो सेट होकर आए हों। उनके सामने सभी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आए क्योंकि धोनी का बल्ला तो बेहद ही आक्रामक अंदाज में आग उगल रहा था। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने दीपक चहर के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के लगा दिए जो पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चिंता में डालने के लिए काफी है। और धोनी और रैना का ये अवतार देखकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेहद ही खुश है क्योंकि धोनी का यूं फॉर्म में वापस आना चेन्नई के लिए एक नई मजबूती देता है। धोनी जब प्रैक्टिस में बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, फिर चाहे वो स्पिन गेंदबाज हो या फिर पेसर, कोई भी गेंदबाज धोनी को परेशान नहीं कर सका। धोनी बड़े आराम से ही सभी गेंदबाजों पर बड़े शॉट्स खेल रहे थे और इसके साथ ही धोनी ने जिस तरह से अपने प्रैक्टिस में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है, ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बेहद खुशी की बात है क्योंकि अब की बार उनके पास शेन वॉटसन जैसे खतरनाक ऑलराउंडर नहीं होंगे और टीम को जरूरत होगी कि टीम के स्टार बल्लेबाज फॉर्म में रहें क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास भी एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाजों की भरमार है जिसकी वजह से इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों में पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।